वीडियो एडिट करना है और समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से करें, कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर होगा वीडियो एडिटिंग के लिए। हमारे पास तो मोबाइल है, हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, तो अब क्या करें? क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल के एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है? तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके हेल्प से आप बहुत अच्छे तरह से वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है काइनमास्टर, और मैं आपको बताऊंगा कि काइनमास्टर में हम लोग किस तरह से वीडियो को एडिट करें और उसको प्रॉपर वे में अपलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग काइनमास्टर को इंस्टॉल कर देंगे और इसको ओपन कर देंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। इसको इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपका रेशियो वाइज आएगा, 16:9 मैं ले लूँगा अभी फ़िलहाल। और इसके बाद मीडिया में जाएंगे और कोई भी अपना अगर जो भी वीडियो हमें अपलोड करना है, किस तरह से करना है, तो वो सारी एडिटिंग मैं बताता हूँ। तो मैं सपोज़ कोई वीडियो ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अभी वीड में आया। वीड में आके सपोज़ मैंने कोई वीडियो सेलेक्ट किया, और भी वीडियो मुझे सपोज सेलेक्ट करने हैं, तो मैं फिर से आया मीडिया में, और यहाँ पे मैं फिर से वीड में आया, और सपोज़ मैंने और कोई वीडियोस ले लिए, और ये देखिए मैंने एक और वीडियो ले लिया। ठीक है, अभी इसके बाद आपको अभी ये देखिए यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं है। ये देखिए इसमें बैकग्राउंड साउंड है, इसका बैकग्राउंड साउंड को आप रिमूव कर सकते हैं, तो वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये देखिए इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में जैसे ही आइएगा, ये यहाँ पर आपका आएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कीजिए। ये देखिए इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप डिलीट का ऑप्शन होगा, डिलीट क्लिक कीजिए, ये आपका डिलीट हो गया। अब मैं आपको फिर से प्ले करके सुनाता हूँ। ये देखिए इसमें जो भी ऑडियो थी, ये आपका ऑडियो आना बंद हो गया। अब सपोज़ आपको इसमें अपना रिकॉर्डिंग करना है, तो अपना रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद वॉइस पे जाइए। वॉइस पे जाने के बाद आपका स्टार्ट आएगा। यहाँ पे स्टार्ट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ, दोस्तों वेलकम टू डिजिटल आइडल। डिजिटल आइडल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगा कि हम लोग कोई भी चैनल, कोई एक YouTube चैनल कैसे क्रिएट करें, और उसमें कैसे कस्टमाइज़ करें, कैसे हम लोग वीडियो जो भी बैनर है या फिर जो भी हमारा DP है, वो हम लोग उस YouTube में कैसे अपलोड करें, और हमारे बैनर में हम लोग YouTube, Facebook, Twitter का किस तरह से लिंक दें, ये सारी नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बस इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। बस वीडियो में बने रहिए, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो ये बस इस वीडियो में बने रहिए, और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर, ये देखिए अभी मैंने यहाँ पर आपको अच्छे तरह से यहाँ पर बता दिया। अब सपोज आपको इसको ट्रिम करना है, तो ये देखिए यहाँ से आप यहाँ तक ये ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ कि ये प्ले में कैसा लगता है। दोस्तों वेलकम टू डिजिटल आइडल। डिजिटल आइडल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कोई भी चैनल, कोई एक यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करें। ये देखिए हमारा जो है, कीजिए ये लास्ट में देखते हैं हम, तो ये बस लिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इतना पार्ट जो है मुझे, मेरा कोई काम का नहीं है। सपोज़ मैं यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो ये देखिए इतना पार्ट हमारा कोई काम का नहीं है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और इसको जो है मिनिमम कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस पर भी क्लिक करेंगे और इसको भी हम लोग यहाँ से मिनिमम कर देंगे। ठीक है, तो बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जिसको भी सेलेक्ट करना सेलेक्ट कीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए हल्का सा, तो ये आपका अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको सपोज़ यहाँ से अभी भी आपको यहाँ पे कुछ देखना है, करने हैं। ठीक है, सपोज़ इतना पार्ट आपका बच गया,
तो आप यहाँ पे आइए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप ऑडियो पे सेलेक्ट कीजिए। ऑडियो पे सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम करने के लिए ये देखिए, ये आपको मैं ओके किया, ऑडियो पे आया, ये देखिए ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम किया मैंने। तो राइट में मुझे ट्रिम करना है, तो ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड, तो हम लोग राइट पे क्लिक करेंगे, ये ट्रिम हो गया। तो ये देखिए आपका आराम से ये इतना क्रिएट हो गया। अब सपोज़ अब आपको इसके बाद अपना कोई इंट्रो लेके आना है, तो इंट्रो लाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, बस वैसे ही मीडिया में जाइए। मीडिया में जाने के बाद आप वो इंट्रो जहाँ भी रखे हैं वहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं देख रहा हूँ, ये देखिए एक्सपोर्ट में मैं आया आराम से, और आई थिंक मेरा यही था वीडियो। ये देखिए ये मेरा यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। तो यहाँ से अब मैं प्ले करके दिखाऊंगा, शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरा आ चुका है। अब इसके बाद सपोज़ मुझे कोई वीडियो डालना है, मतलब जो भी मैंने इसके थ्रू दिखाया, तो मैं अब आराम से यहाँ पे लेयर में जाऊँगा। लेयर में जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मुझे ऊपर में ही डालना है, मीडिया में ही। तो मैं मीडिया में जाऊँगा। मीडिया में जाने के बाद जो हमारा रिकॉर्डिंग है, तो ये आपका स्क्रीन रिकॉर्डर में आइडियली दिखेगा। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर में आया, स्क्रीन रिकॉर्डर में आने के बाद जो लेटेस्ट है इसमें आया मैं, मैं बस चेक कर लेता हूँ क्या ये सही है। आपका दिन शुभ हो। ओके, फिर से मैं आता हूँ, मीडिया में आता हूँ। मीडिया में आने के बाद मैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर में आया, जो लेटेस्ट है वो ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने लेटेस्ट तो ले लिया, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, तो ये बहुत बड़ा हो गया है, तो ये इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देंगे। तो ये देखिए हम यहाँ से स्मॉल कर सकते हैं। अभी मैंने स्मॉल तो कर दिया। अब मुझे इसके बाद के जो है, सपोज़ मुझे कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना है, ताकि क्योंकि ये देखिए मैं आपको सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल खोलना एक बहुत ही ईजी टास्क है, बहुत ही लग रहा है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें हम लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक दे सकते हैं, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी डाल सकते हैं। बट इसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, मतलब कुछ लेयर आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ मैं कोई मीडिया लिया, मीडिया में सपोज़ मैंने कोई और फोटो लेके देखता हूँ मैं, ठीक है। सपोज़ मुझे ये वाला बैकग्राउंड लेना है, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसको जितना बड़ा चाहे हम यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब सपोज़ मुझे यहाँ से क्या लेना है, सपोज अब मैं यहाँ से लेयर में जाता हूँ, लेयर में जाके मीडिया में जाता हूँ। जैसे लेयर क्रिएट करिएगा, लेयर में जाने के लिए वो आपका नीचे में आ जाएगा। अभी मैंने डायरेक्ट मीडिया लेने पे आपका ऊपर में आएगा, लेयर अगर लीजिएगा तो आपका नीचे आ जाएगा। तो लेयर में जाने का स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, फिर से स्क्रीन पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए अभी क्या हो गया, ये लेयर वाइज आ गया, देख रहे हैं आप, देख सकते हैं आप यहाँ, देखिए ये आपका लेयर वाइज आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से लेयर वाइज भी ला सकते हैं। अगर आपको देखना है कि ओके ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, कोई एक मोबाइल का फ्रेम ले लें, तो मोबाइल का फ्रेम लेने के लिए बस कुछ नहीं करना है आपको, यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद फिर से मीडिया में जाना है, और एक फ्रेम लेना है। तो फ्रेम मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं अभी आता हूँ यहाँ पर, डाउनलोड्स में ये होना चाहिए, तो मैं डाउनलोड्स देख रहा हूँ अभी। ये देखिए डाउनलोड में मैं आया, डाउनलोड में सपोज़ मुझे ये फ्रेम लेना है या फिर मुझे ये फ्रेम लेना है, तो ये फ्रेम भी मैं ले सकता हूँ। तो ये फ्रेम तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको बैक कर देते हैं और दूसरा फ्रेम लेते हैं। फिर से मीडिया में आते हैं, मीडिया में यहाँ पे मैं डाउनलोड्स में आया, डाउनलोड्स में आने के बाद ये देखिए ये फ्रेम थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इस फ्रेम को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये देखिए अभी इसमें सेट हो रहा है, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर सकते हैं हम लोग, ये देखिए छोटा करते हैं, ये देखिए अभी है, हो गया ना, ये अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए हमने इसको अच्छे तरह से सेट कर दिया है, ये देखिए। तो दोस्तों अभी अभी जो मैंने ये जो लेयर लिया, इसको भी हम लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर लास्ट तक ड्रैग कर सकते हैं,
तो जितना दूर तक आपका लेयर चाहिए उतना दूर तक आपको नहीं करना है, आपको एक सिर्फ जीमेल आईडी क्रिएट करना है। जीमेल आईडी देख रहे हैं आप, साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपका एडिटिंग, तो अभी सपोज अभी ये देखिए, जब ये मैंने इसको यहाँ तक लिया है तो ये थोड़ा सा और बढ़ा जाएगा क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा है, वीडियो यहाँ तक गया है तो वीडियो यहाँ तक जाएगा। हमारा जो ये फ़ोन का स्क्रीन है ये भी हम लोग लेंगे, इसको भी बड़ा करेंगे जहाँ तक हमारा वीडियो गया है। तो मैंने इसको भी यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ठीक है। अभी इसमें अभी ये देखिए, ये अगर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, अभी ये बहुत सिंपल लग रहा है कि क्या करें कैसे करें, तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताने वाला हूँ। सिंपल लग रहा है, इसमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक में देने के लिए आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ से म्यूज़िक, ये देखिए ऑडियो का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप या फिर लेयर भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप ऑडियो ले लीजिए। ऑडियो लेने के बाद अगर आपके पास कोई डाउनलोडेड म्यूज़िक है तो डाउनलोडेड म्यूज़िक म्यूज़िक में आइए, और सपोज़ मैंने हाई लाइन ले लिया, ठीक है। सपोज़ मैंने हाई लाइन ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद हाई लाइन लेने के बाद मैंने ओके पे क्लिक किया। अब ये देखिए, मैं फिर से प्ले करके दिखा। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल खोल okay, तो ये जो हाई लाइन है ये इस साइड में लगता है आ चुका है, आई थिंक ये हाईलाइन अभी अपलोड नहीं हुआ, ठीक है। मैं फिर से इसको करता हूँ, तो अभी मैंने यहाँ पर फिर से मैं ऑडियो में जाता हूँ। ऑडियो में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर फोल्डर्स में आए, फोल्डर्स में आने के बाद हम लोग यहाँ पर ब्लूटूथ में आए, और सपोज़ मैंने हाईलाइन वाला म्यूजिक लिया, यहाँ पर प्लस का बटन है, ये प्लस क्लिक जैसे ही करेंगे तब आएगा आपका। ये देखिए आ चुका है मेरा, यहाँ पर हाईलाइन भी आ चुका है। अब सपोज़ आपको ये जो म्यूज़िक है ये म्यूज़िक आपको लास्ट तक ले जाना है, तो लास्ट ले लूप का ये ऑप्शन है, ये देखिए लूप पे क्लिक कीजिए और लूप टू एंड आता है, लूप टू एंड कर दीजिए, तो ये आपका लास्ट तक हो चुका है। अब मैं आपको स्टार्ट से प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा वीडियो क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल आइडल, डिजिटल आइडल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगा कि हम लोग कोई भी चैनल कोई यहाँ पे ओके सॉरी, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कोई म्यूज़िक नहीं है, तो यहाँ भी आप कोई म्यूज़िक अगर डालना चाहें तो आराम से डाल सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से डालें हम लोग म्यूज़िक। तो ये जो हम लोगों ने हाईलाइन म्यूज़िक डाला था, हम लोग यही हाईलाइन म्यूज़िक इधर भी डाल देते हैं। तो इधर भी डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एकदम डायरेक्ट स्टार्ट पे आएंगे। स्टार्ट पे आने के बाद हम लोग लेयर, फिर से ऑडियो में जाएंगे, ऑडियो में जाने के बाद फिर से हम लोग फोल्डर्स में आएंगे, फोल्डर्स में आने के बाद फिर से मैंने हाईलाइन लिया और यहाँ पे, या फिर हमने रिग्रेट्स लिया सपोज, और इसको ऐड कर दिया। तो जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे ये पूरा लास्ट तक हो चुका है, ठीक है। इसको डिलीट कर सकते हैं फिलहाल। अब ये देखिए ये लास्ट तक आ चुका है। अब इसको सपोज मुझे ये लूप करना है, लूप किया, लूप टू एंड कर दिया, तो ये एकदम एंड तक हो चुका है। अब ये देखिए जब मैं प्ले करूँगा तो आवाज़ बहुत ज़्यादा रहेगा म्यूजिक का। ये देखिए दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल आइडल, डिजिटल आइडल में आपका स्वागत है। देख सकते हैं साउंड बहुत ज़्यादा है, तो साउंड पे बस इसको थोड़ा लो कर दिया, तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ वॉइस का आएगा, वॉइस जो है आप मिनिमम इसको 20% रखिए, 20% एनफ होता है म्यूज़िक के लिए, अच्छा लगता है थोड़ा बैकग्राउंड में सुनने के लिए। अब देखिए दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल आइडल, डिजिटल आइडल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको थोड़ा सा और इसको रख सकते हैं, वॉल्यूम थोड़ा सा कम लग रहा है इसमें, थोड़ा सा और वॉल्यूम आप बढ़ा दीजिए, 25 कर दीजिए, बहुत हो जाएगा 25। अब मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल आइडल, डिजिटल आइडल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊँगा कि हम लोग कोई भी चैनल, कोई एक YouTube चैनल कैसे क्रिएट करें और उसमें कैसे कस्टमाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो जो भी ये सारी और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखा आपने हमारा इंट्रो का म्यूज़िक इतना लाउड था कि वो म्यूज़िक पता ही नहीं चला, और म्यूज़िक भी अपने आप से इसमें ऐड हो चुका है। इसके बाद का देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल लेट से आया, तो इसको मैं क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और थोड़ा सा एनिमेशन बीच में डाल सकते हैं।
तो ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक बार इंट्रो हो गया, इंट्रो होने का जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स कर सकते हैं। क्लिप ग्राफिक्स सपोज़ मैंने ओके, अगर एनिमेशन नहीं डालना है तो फिर फिलहाल अभी एनिमेशन रहने देते हैं, एनिमेशन बाद में डालेंगे। अभी इसको जो है हमारा जो फ्रेम है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एंड होगा और थोड़ा लूप करते हैं, अभी देखते हैं एक बार प्ले करके चेक करते हैं हम लोग। हमारा पहले आ चुका है तो इसको हम लोग थोड़ा और आगे करते हैं, करते हैं। अब ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे अभी नॉर्मल दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको हमारा ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया उसका नाम। तो दोस्तों YouTube चैनल खोल लेट से आया, तो इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्ले करके। तो दोस्तों ये अच्छे से नहीं आ रहा है, तो जब भी अगर आप अच्छे से ना इसको एक्सपैंड कीजिए जितना एक्सपैंड कर सकते हैं। ये देखिए एक्सपैंड किया, ये देखिए कितना गैपिंग था, इसकी वजह से अच्छे से नहीं आ रहा। तो इसको आराम से यहाँ पे फिल कीजिए, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। अब ये फिल नहीं हो पा रहा है तो इसको रहने भी दे सकते हैं, और आप इतना साइड जो है इसका यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ट्रिम में गया, यहाँ पर लेफ्ट वाला करना है, ट्रिम एट द लेफ्ट साइड। ये देखिए इतना ट्रिम हो चुका है। अभी हम इसको और इसको दोनों साथ में ले आते हैं तो आपको अभी इजी हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ मेरा इंट्रो ख़त्म हुआ, अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये दोनों साथ में आते आते रह गया, और थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम लोग तो और भी इजी हो जाएगा हमें। ये देखिए इतना डिस्टेंस दिखा इसमें मुझे, और ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ भी कवर कर लिए। अब देखिए अब मैं आपको दिखाता, तो दोस्तों YouTube चैनल तो देखा आपने, अभी दोनों साथ में आ चुका है, ये देखिए देखा, ये देखिए। तो दोस्तों YouTube चैनल खोलना एक बहुत, तो इस ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे म्यूज़िक भी बहुत अच्छा आ रहा है, म्यूज़िक भी बहुत अच्छे से अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये देखिए एंड आ गया है, एंड के पास शपक है शुभरात्रि। अब यहाँ पे और देखते हैं कुछ और बनाइए, ये देखिए जो मैंने बैनर बनाई है किस तरह से बनाई है, या फिर आपने एक और कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये डालने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, शबक है शुभरात्रि, आपका दिन शुभ हो, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप। ये देखिए लास्ट में जो है आपका, लास्ट में देख सकते हैं हमारा फिर से ये हट चुका है। रीज़न ये है कि हमारा जो ये वीडियो था ये लास्ट तक हो नहीं पाया, और इसमें भी हम लोग यहाँ से लास्ट तक हम लोग कर दिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एंडिंग किए। अभी हमें इसमें क्या करना है, ये देखिए फिर से बढ़ चुका है, तो फिर हम लोग इसको फिर से थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट में, धन्यवाद, ठीक है, हमारा एंड हो चुका है अच्छी वे में। अब आपको बीच में अगर सपोज़ लाइक सब्सक्राइब का कुछ दिखाना है तो कैसे दिखाइएगा, तो ये इंट्रो के टाइम पे आप ऐसा कर सकते हैं कि इंट्रो के टाइम पे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लेयर में जाइए, लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाइए, मीडिया में जाने के बाद अगर आपको कुछ दिखाना है, सपोज़ आपको कुछ सब्सक्राइब का दिखाना है तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ये देखिए आपका इस तरह से आ जाएगा, इसको आप क्लिक कीजिए, और ये ग्रीन कलर का सिंबल है तो क्रोमा की जाइए, क्रोमा के को इनेबल कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाऊंगा कि हम लोग कोई भी चैनल सब्सक्राइब, कोई एक यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करें, और उस अभी इसके बाद और थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो ये बस इस वीडियो में बने रहिए, और चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको बीच में यहाँ भी अगर कहीं पे सब्सक्राइब का अगर आपको कुछ लाना है तो आप इस पे लेयर पे जाइए। लेयर पे जाने के बाद आप यहाँ पर मीडिया में जाइए। मीडिया में जाने के बाद आप यहाँ पे डाउनलोड्स में देख सकते हैं अगर कोई सब्सक्राइब का है तो। अगर आपको इसमें नहीं मिलता तो फिर से एक्सपोर्ट में आके देखते हैं एक बार। सपोज मैं इसमें गया, इसको एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद क्रोमा की गया, इनेबल किया, अब देखते हैं। लेकिन बहुत लोगों को समझ में आता नहीं है कि क्या करें कैसे करें, तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताने वाला हूँ। दूसरा भी अगर आपको अगले किसी भी और चीज़ का प्रचार करना है तो, अगर आपको और भी देखना है तो फिर से लेयर में आइए, मीडिया में आइए, मीडिया में एक्सपोर्ट में आइए और सपोज इसको ले लेते हैं, ये नहीं। मीडिया में आते हैं, मीडिया में आने के बाद ब्लूटूथ में आने के बाद इसको ले देते हैं। तो ये देखिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और इस पर भी हम लोग क्रोमा की दे देते हैं, क्रोमा की यहाँ पे इनेबल कर देते हैं। अब मैं देखता हूँ इसमें आपको योर चैनल रहेगा, यहाँ पे यूट्यूब प्रीमियम, आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेना है। अभी ये बीच में आ गया तो थोड़ा इंटरप्शन वाला काम हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा कर इसको यहाँ साइड में कर देंगे ताकि आपका जो काम है वो भी हो रहा हो और साथ ही में आपका सब्सक्राइब का बटन भी शो होगा। ठीक है, तो हम लोग सपोज यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं और फिर इसको ओके करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ लगेगा इसमें आपको योर चैनल रहेगा, यहाँ पे यूट्यूब प्रीमियम, आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेना वो ले लीजिए आपने। तो इस तरह से हम लोग आराम से किसी भी वीडियोस को बहुत ही इजी वे में इनफैक्ट हम लोग आराम से इसको एडिट कर सकते हैं। कोई भी आपको बता इजी टास्क है ये देखिए यहाँ पे यूट्यूब प्रीमियम आपको थोड़ा ज़्यादा कर सकता है तो इसको तो इस तरह से आप अगर कहीं भी चाहते हैं तो फिर आराम से इसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप ये थोड़ा सा मीनिंगफुल होगा, आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियोस को बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना हमें ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बस वीडियो में बने रहिए, मेरे हर वीडियोज़ को देखिए ताकि आपको बहुत सारे नॉलेज मैं आपको ऐसे बताते रहूँगा कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें, आपने कैसे करें, किस तरह से करें। तो बस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, संपर्क है शुभ रात्रि। तो सीख गए ना आप कितना आसान है ये काइन मास्टर। अब आप इसके मदद से आराम से वीडियो एडिट कर सकते हैं अपने ही एंड्रॉयड मोबाइल में। ऐसी ही टेक्निकल वीडियोज़ मैं लाते रहूँगा, तो बस इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।